ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुर्गा बाजार पर छापा मारते हुए 7,62,500 रुपए का माल जब्त कर 16 लोगों पर अपराध दर्ज किया। ब्रह्मपुरी के काटली चक परिसर में चल रहे अवैध मुर्गा बाजार पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने छापा मार कार्रवाई कर 3 मुर्गे, लोहे की काती, 16 मोटरसाइकिल समेत 7,62,500 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लेकर अपराध दर्ज किया, जिसमें मोरेश्वर ठाकरे, मोरेश्वर नखाते, प्रभाकर ताड़म, रामचंद्र आम्बोने, भरत नागपुरे, सुभाष तलमले, चंद्रशेखर ठोमरे, राजकुमार गुंजेकर, नितेश पिलारे, रोशन भानारकर, अनिल अर्गेरवार, सूरज उर्फ बंटी केवलराम, प्रफुल भरडे, सागर सहारे, अरुण मेहर, अरुण ठेंगरे इनका समावेश है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मोमक्का, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनकर ठोसरे के मार्गदर्शन में ब्रह्मपुरी पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक जयराम चौहान, अरुण पीसे, पवन डाकरे, योगेश शिवनकर, मुकेश गजबे, संदेश देवगढ़े, अजय कटाईत, अनुप कवटेकर, नरेश कोड़ापे ने की। दिनांक 5 जून 2024 रोजी मोजा काटली चक शिवारा मध्ये उमट बाजार सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याने पोलीस स्टेशन ब्रह्मपुरी येथील स्टाफ ने सदर ठिकाणी जाऊन रेड केली असता सदर रेड मध्ये 3 जन घटनास्थळावर निघाले आणि कोंबडे उमट बाजारासाठी लागणारे साहित्य तसेच घटनास्थळावर 16 मोटरसायकल असा एकूण 7,65,500 रुपयाचा मुद्देमाल मिळाल्याने सदर मुद्देमाल त्यांच्या समक्ष जप्त करण्यात आला आणि एकूण 16 आरोपी विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। पुढील तपास सुरू आहे।